प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। जयशंकर टाइगर जूडो कराटे संस्थान द्वारा एक दिवसीय विशेष एडवांस कादा और कुमिते ट्रेनिंग शिविर का शुभारंभ जिला खेल अधिकारी अभिषेक पवार के मुख्य अतिथि एवं जिला कराटे संघ अध्यक्ष एवं युवा समाज सेवी विष्णु सेनी की अध्यक्षता में श्री ब्राह्मण धर्मशाला खेरनी घाट प्रांगण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विष्णु सेनी ने कहा कि नियमित अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। एडवांस ट्रेनिंग शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि कोच द्वारा बताए गए एडवांस टेक्निक को ध्यान पूर्वक देखें और नियमित अभ्यास करके सफलता प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। जिला खेल अधिकारी अभिषेक पवार ने अपने उद्बोधन में बेटियों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि समाज में इन दिनों असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला खेल अधिकारी अभिषेक पवार ने अपने उद्बोधन में बेटियों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि समाज में इन दिनों असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में बेटियों को आत्मरक्षा के गुण आने चाहिए। जयशंकर टाइगर जूडो कराटे संस्था जिले की बेटियों की सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। विगत 40 वर्षों से जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब बेटियों में आत्मनिर्भरता पैदा करने में एक मेहनती भूमिका अदा कर रही है। कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि जापान से प्रशिक्षित सुब्रतो दास जी आए हैं, जो कि 5 बार ब्लैक बेल्ट हैं। भरतपुर के बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है, जो कि यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वो ऐसे ही प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं और पीएचडी का भी धन्यवाद करना, क्योंकि वो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरे को यह है। आज जयशंकर टाइगर रोमांटिक क्लब की तरफ से प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें एडवांस कराटे एवं कुमिते के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षक शिगोकाई कराटे डो एसोसिएशन ऑफ इंडिया कलकत्ता से सुब्रतो दास 5th ब्लैक बेल्ट पधारे हैं और वो बच्चों को एडवांस जो कराटे में चेंज नियम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो चेंज हुए हैं उसके बारे में प्रशिक्षण देंगे, जानकारी देंगे, विस्तार से बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपने बच्चों को मेडल स्थान प्राप्त कर सके, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। टीचर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए एडवांस ट्रेनिंग और ग्रेडिंग एग्जाम के लिए धौलपुर और भरतपुर का, तो धौलपुर में तो चल रहा है अभी, आज भरतपुर का हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा यूजी ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया, ट्रेनिंग के लिए इतना सब स्टूडेंट्स तैयार किया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सब लोगों का है, टेक्निक सब ठीक ठाक है। एक साल में मैंने इसमें एक साल दिया, एक साल कुछ महीना में जितना तरक्की किया बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का परफॉर्मेंस देखकर। आगे तुम और भी आगे जाओगे, स्टेट नेशनल इंटरनेशनल गेम्स खेलोगे ये उम्मीद है, और साथ में तुम्हारा आज एग्ज़ाम भी है, ठीक से विदाउट टेंशन ठीक से एग्ज़ाम देना और आगे तुम बहुत तरक्की करोगे ये उम्मीद करके मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ। इसमें ये इंटरनेशनल कोच भी बता रहे हैं और बच्चों को बहुत ही मोटिवेशनल एक ये प्रोग्राम है बच्चों के लिए, और साथ में जो हमारे बॉम्बे से अभी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी 8 बच्चे जो हमारे मेडल लेके आए वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा ही गौरवान्वित पल है भरतपुर शहर के लिए, और जैसा कि जयशंकर जी ने इसकी नींव रखी थी और हमारे पीयूष भाई इसको आगे परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य है। तो मैं इसकी बहुत ही जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है, और मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें।